actor and the producer of the film Dangal, Aamir Khan, finally breaking his silence, speaking out in support of his co-star, the 16-year-old who played the younger Geeta Phogat, the 16-year-old actor Zaira Wasim. Other Bollywood stars have followed suit, come out in support of her. The chorus now growing within Bollywood, fortunately now as well, on I Stand with Zaira. She's won over critics and fans for that performance that she'd given in Dangal. But Zaira Wasim had made headlines through the day yesterday because it seemed that she was forced to give out a public apology, distancing herself from the work, apologizing for how she's been involved in the project and the people that she's met in the past 6 months. Remember, she had met with the Jammu and Kashmir Chief Minister a few days back, and that's when the trolls started attacking her. तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से उसको थ्रेट्स आ रही थी, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है. ये उन लोगों का माइंडसेट बताता है कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी के ऊपर वो जमहूरियत में बिल्कुल विश्वास नहीं करते. अगर वो चीफ मिनिस्टर से मिली है, चीफ मिनिस्टर जो बेटियों को स्कूटी दे रही है, कॉलेजेस में जा रही है, हर टैलेंट को हम इनकरेज कर रहे हैं सरकार की ओर से, वो बेटी को भी इनकरेज करने के लिए जो है वो उनसे मिलने के लिए गई, उसको भी अच्छा लगा और हम सभी को अच्छा लगा. उसको ही एक मुद्दा बना के जिस प्रकार से उसको थ्रेटन किया गया, एक आम बच्ची और जिसका इतना बड़ा नाम है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है. आई फाइंड दैट यू नो शी इज अ 16-year-old गर्ल, शी इज नॉट एन एडल्ट, एंड टू प्रेशराइज समवन लाइक दैट एंड देन शी हैज टू इशू अ पब्लिक अपॉलॉजी, आई थिंक इट्स टोटली uncalled for, unwarranted, and people who are pressurized her, they shouldn't do it. It's not good. कुछ लोग होते हैं जो किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, और कुछ लोगों का काम ही होता है कि कोई अच्छा करे तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है. मैं ज़ाहिरा को यही कहना चाहती हूँ कि जब आमिर खान जी ने भी खुद उन्होंने ट्वीट किया है तो उन्होंने कहा कि वो उन पर प्राउड फील करते हैं, हम उनको ऊपर प्राउड करते हैं. तो ज़ाहिरा को अब दुखी होने की जरूरत नहीं है और वो आगे बढ़े और सफलता हासिल करें और मेहनत करें. मैं चाहती हूं कि ये दंगल मूवी जिसने भी देखी है उनकी सोच बदले, लड़कियों के प्रति ऐसे कमेंट ना करें कि एक छोटी बच्ची को इतना दुखी किया जा रहा है कि ऐसे ऐसे कमेंट करके और उनको माफी तक मांग ली. और मैं ज़ाहिरा को कहूंगी कि ज़ाहिरा आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने कोई गलत काम नहीं किया. माफी उनको मांगनी चाहिए जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने आपको गलत शब्द बोले हैं, जिन्होंने आपके ऊपर ऐसे गलत कमेंट किए हैं. माफी मांगने की जरूरत उनको है, न कि आपको. आप हमारे देश का गौरव हो, हमारा गौरव हो, और आपको देश पूरे देश को आप पे गर्व है. आई वेरी स्ट्रांगली फील दैट आई ऑन बिहाफ ऑफ द इंडस्ट्री, my organization IMPA, my another organization of the director association IFTDA, and the entire industry for that matter stands by this child, stands by Zaira, and all such achievers, especially in the field of art, that they should go ahead, they should fight this sect of people and reach to a level and prove to the world that Jammu and Kashmir is what is ready to give talent. उस पे दबाव डाला गया होगा माफी मांगने के लिए, उसके वहां पर रिश्तेदार होंगे, उसे उनकी जान का खतरा होगा. तो इस तरीके से बाम मरोड़ के अगर आप माफी मंगवा रहे हैं तो ये कोई मर्दानगी या दिलेरी में नहीं कहूंगा, बहादुरी नहीं कहूंगा. उस लड़की ने इतना अच्छा काम किया है, पूरी दुनिया में उसके काम की तारीफ हो रही है, और अगर आप मजहब के बिना पर कहते हैं कि साहब काम नहीं करना चाहिए, तो कितनी मुस्लिम एक्ट्रेसेस हैं जो टॉप पर रही हैं. मैं महसूस करती हूं कि हम लोग इस्मत चुगताई और रशीद जहां जैसे राइटर्स पैदा कर चुके हैं जो हक के लिए हमेशा महिलाओं के खड़ी होती रही, और उस आवाज को दबाने की ये पूरी कोशिश है. ये एकजुटता में जो एकजुटता हो रही है, बन रही है, जो ताकतें एक साथ आ रही हैं उनमें विभाजन पैदा करने का तरीका है. ये एक कम उम्र बच्ची को डराने का तरीका है. ये पूरे समुदाय में ये बात फैलाने की कोशिश है कि अगर उनकी इन लोगों की कट्टरपंथियों की लाइन पे नहीं चला जाएगा तो कुछ भी हो सकता है, जिससे मजबूर होकर के इस बच्ची को माफी मांगनी पड़ी है. उनका गर्व होना चाहिए, हम अपनी राज्य की एक लड़की ऐसा पूरी दुनिया में एक इतना अच्छा उसका उसका बारे में चर्चा भी हो रही है, बातचीत भी चल रही है. तो
तो वो प्राउड होने के बजाय वो उनके खिलाफ, उनको एक 16 साल की बच्ची है उनकी, उनको दबा के रखना, उनको डराना, ये मर्दानी की बात नहीं है। ये लोग सोच रहे कि हम जो मैचो, हम जो बोलेगी वही होगा। तो ये सब ऐसा लोग सच में उस समुदाय का भी शत्रु लोग है। Let's get in further details here. We have with us our correspondent Siddhant with further input. Siddhant, we've seen how through the day yesterday and most part of the day today, there are several voices from across the political spectrum, from across Bollywood now, who've spoken out in support of the girl, in support of the child actor there.